दोस्तों, अभी मान सिंह जी के पैलेस हम लोग घूमने गए थे तो उसकी टिकट 20 रुपये की अलग से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। और उसके बाद एक और प्लेस पे आए हम लोग, यहाँ पे ये कर्ण महल, विक्रम महल वगैरह बाकी प्लेसेस हैं, इसकी 20 रुपये की और टिकट आपको ऑफलाइन ही मिलेगी, उसको भी यहीं पर लेके अब फिर आप अंदर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. उस तो पुराने जमाने की टोपी। दोस्तों, सबसे पहले विक्रम महल में आ गए हम लोग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे छोटे छोटे 4 से 5 महल है, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है। दोस्तों, ग्वालियर फोर्ट में जितनी भी इमारतें हैं ये सब पत्थरों से बनाई गई हैं और इनकी नक्काशी देखिए कितनी बेहतरीन है। अरे 4-5 अभी ज़्यादा नहीं, ट्रैवल तो अभी करना शुरू किया हूँ मैं। दोस्तों, विक्रम महल देखने के बाद हम लोग महादेव जी के दर्शन करने जाते हैं और महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम इस प्लेस के और महलों को देखने के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए और महलों को देखते हैं और यहाँ के प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जौहर कुंड की तरफ जा रहे हैं। जौहर का मतलब होता है खुद को जला लेना। पहले के ज़माने में स्त्रियाँ पति के मृत्यु के बाद खुद को आग में अर्पण कर देती थी, उसी को जौहर बोला जाता है। और इसकी सुंदरता देखिए। दोस्तों, अब हम जौहर कुंड की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता कुछ 50 से 100 मीटर लंबा है जौहर कुंड के लिए विक्रम महल से। और दोस्तों, इन इमारतों को देख के लगता है कि उस ज़माने में यहाँ पर कितनी चहल पहल रही होगी। अरे जल के मरते रहे यहाँ। दोस्तों, आपको सामने जो मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है वो जाट महाराजा भीम सिंह राणा जी की छतरी है। जो दोस्तों, ये जौहर कुंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, इसको आप पढ़ लीजिए। और ये है जौहर कुंड पूरा। दोस्तों, आप लोग ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हर वर्ष जाट लोग आते हैं और यहाँ पे रहवास करते हैं कुछ दिनों के लिए और यहाँ पे किसान मेले का आयोजन करते हैं। और ये जाट लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जाट महाराजा भीम सिंह राणा जी की छतरी है और ये लोग भीम सिंह राणा जी को देवतुल्य मानते हैं, तो उसी कारण यहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आप लोग ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये जहांगीर महल है और यहाँ से इस बिल्डिंग का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। चलिए अब बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम लोग बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं और यहाँ से बिल्डिंग के चारों तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस बोर्ड में जहांगीर महल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा देखते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, ये जौहर कुंड जैसा ही कुछ है। ओ भाई साहब, पता आ जाता होगा ना। दोस्तों, अब हम लोग जहांगीर महल की बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर से ये बिल्डिंग कैसी दिखती है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस एरिया पहुँचे। ये एरिया हमको सभा रूम के जैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन नक्काशी की गई है और पुराने ज़माने में शायद यहाँ पे सभा वगैरह लगती होगी। अब सीढ़ियों से हम लोग यहाँ के फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा मतलब यहाँ की नक्काशी की गई है। ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर की छत पर आ गए हैं और यहाँ से चारों तरफ की बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखाई देती है।
ये अंग्रेजी को फैक्ट्री है, ये जाटों की समाधि है, यहाँ जाटों का मिला 8 साल होता है अप्रैल के महीने। समाधि किसकी है? जाट जलाई में मारे गए मराठाओं को पहले। अच्छा, ये जही की ग्वालियर के दिल्ली है, यहाँ से 35 किलोमीटर बहुत चौराया है वहाँ के राजा थे, यहाँ पे जाटों का मिला अप्रैल के महीने में रामनवमी। पूरे जाट लोग यहाँ पे पंडाल लगाकर कार्यक्रम करते हैं, मेला मेला लगाते हैं, किसान राणा मेला। यहाँ जाट भी हैं ग्वालियर में आसपास, राकेश सर को बता देंगे। अरे जाट जाटों को मालूम पड़े हैं। दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं कर्ण महल में, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों अब हम लोग कर्ण महल के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की बिल्डिंग अंदर से कैसी है। यहाँ की सारी इमारतें तो पत्थर से ही बनाई गई हैं और इमारतों पर शानदार नक्काशी की गई है। ये हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ से पूरे अदर महलों का जो नज़ारा है वो क्लियरली विजुअल होता है। आप लोग भी देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है पूरे महलों का। दोस्तों कर्ण महल के फर्स्ट फ्लोर से सिटी का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है।